सत्यवाड़ी की कुल्फी से। हेलो गाइस, हेलो गाइस, मेरा नाम है हमाद, आप देख रहे हैं डमोस व्लॉग। तो आज हम लोग इलाहाबाद आ चुके हैं फाइनली। तो ये मेरे दो दोस्त आए मिलने के लिए हमसे, अमन भाई और ये हंदला भाई। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं आरटीओ, तो आरटीओ को हंदला भाई में कुछ काम है हंदला भाई को, उसके बाद फिर एक फ्यूचर प्लान है जो भाई का है हमारे, तो वो आपको दिखाएंगे कि इनका फ्यूचर प्लान क्या है ना भाई। तो आपका भाई क्या है प्लान, तो थोड़ा बहुत बता दिए भाई। ये भाई का गेस्ट हाउस बन रहा है ना, तो वो आपको दिखाएंगे कि वो कहाँ पे बन रहा है और वो कब चालू होगा, तो वो चीज़ आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इलाहाबाद का आरटीओ यहाँ पर है। तो मतलब यहाँ पे क्या काम है आपको? यहाँ पे भाई हम लोगों को कार अपने नाम ट्रांसफर करवानी है। तो ये यहाँ पे अभी आए हुए हम लोग एक कार को भाई के नाम पे ट्रांसफर करवाने के लिए, तो उसके बाद फिर जाएंगे इनके गेस्ट हाउस, वो दिखाते हैं कि वो कहाँ पे है और कैसा है। आप लोग बताइएगा वो कैसा दिख रहा है। ठीक है भाई, हेलो गाइस। तो अभी हंजला भाई हम लोग को एक इंडेवर का जलवा दिखाने वाले हैं। दिखाई भाई इंडेवर की जो पावर है। ये डिस्क्लेमर देने कि आप लोग अपनी ना करें, तभी भाई हंजला भाई कुछ कहना चाहेंगे। तो ये हंजला भाई का गेस्ट हाउस आ गया है फाइनली, तो वो सामने बन रहा है। चलिए अभी उतर के फिर आपको दिखाते हैं। गेस्ट हाउस इन इलाहाबाद, इलाहाबाद पब्लिक बी रेडी। चलो भाई, शादी यहीं से करनी है और क्या भाई। तो गाइस ये गेस्ट हाउस पड़ता है 13 मील में, तो हंदला भाई का ये गेस्ट हाउस है। तो भाई ये कब तक आपकी इसकी वो इनॉग्रेशन होगा? विद इन अ 6 मंथ। ये देखिए इतना बड़ा ये गेस्ट हाउस है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारा तरक्की करी है बस। आमीन बोलिए सब लोग भाई, आमीन बोले। तो ये है इनका गेस्ट हाउस बन रहा है। भाई बताइएगा कुछ अपने गेस्ट हाउस के बारे में, आगे का प्लान। अपकमिंग प्लान ये है कि वहाँ सेंटर में आपके लिए पूल रहेगा, लाइक अ रिजॉर्ट। अच्छा, तो ये रिजॉर्ट भी रहेगा? हाँ रिजॉर्ट भी रहेगा। ये आप भैया जो प्रोफाइल लाइट कहाँ लगेगी इसमें? तो भाई ये प्रोफाइल लाइट भी लगेगी इसके अंदर। ये है कुछ इनका भाई का गेस्ट हाउस। हंदला भाई ये इलाहाबाद से कितने किलोमीटर पहले? ये इलाहाबाद से आपका अप्रॉक्स 20-25 किलोमीटर। क्या अमन भाई क्या कर रहे थे? हेलीकॉप्टर। हंदला भाई हेलीकॉप्टर का दिखाना बताओ, हेलीकॉप्टर की। अमन तो ढाबे का खाना खाने आने के लिए, अमन भाई को बहुत भूख लग रही थी। अमन भाई भाई बताइए, अमन भाई बताइए, पब्लिक देख रही है। तो अंदला भाई ये यहाँ पे आ गए गांव में आगे, तो ये खाना खा के फिर निकलेंगे। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं हंदला भाई के साइड पे, हम लोगों का भट्टा आ गया है उधर से आप दिखा सकते हैं। तो ये है इनका भट्टा, ये हम लोग की फैक्ट्री, ये है इनकी पूरी फैक्ट्री। तू आगे देखा। तो अब हम लोग जा रहे हैं ये भाई भट्टे का रास्ता, ये भट्टे की प्राइवेट रोड। भट्टा शरीफ आपका इमामगंज में पड़ता है, कहाँ पड़ता है भट्टा शरीफ? कहाँ पड़ता है भाई? इमामगंज में, जहाँ लाइट जल रही है वहाँ जेसीबी का काम चल रहा है। तो ये है भाई हंजला भाई का अपने भट्टा। तो खाना पीना खाने के बाद हम लोग आए हुए हैं यहाँ इनके थोड़े भट्टे पे देखने। देख रहे हैं सब, पूरी ब्रिक फील्ड है। लेबर्स में रहते हैं पूरी में। देखिए भाई लेबर्स के लिए दिखा हंजला भाई,
चलिए ये ऐसे है, ये कच्चा ईटा है, पहले जो लेबर बनाते हैं जो इसमें एच आर एल लिखा हुआ है वो सामने इसी में लेबर्स रहते हैं। अच्छा। इसमें हमारे मैनेजर्स रहते हैं, वो जो आपको दो मंजिला दिख रहा है वो अपनी ऑफिस है, वो उनका ऑफिस है। ये पूरा बट्टा कितने कितने उसमें बनी है भाई? ये बट्टा 35 बीघे में सोचिए भाई बट्टा है ये। तो अगर आप लोग को ईटा वीटा चाहिए हो तो यहाँ पे जरूर आए, ईमानगंज में पड़ता है ना मतलब भाई। ये सब इन्हीं के ट्रक और ये ट्रक ट्रॉली वगैरह है, पिकअप से जैसे भी इक्विपमेंट आपको जरूरी है। हाँ गाइस, आपका पकाया जाता ईटा है ना अंजला भाई? ये क्या है अंजला, इस चीज में क्या रखा हुआ है? ये जो ये का खुलवावा, ये क्या है अंजला? ये जो आवा, अच्छा खुला है क्या? ये नीचे भाई देखिए, ये नीचे आग जल रही है, भट्टी है पूरी ऊपर, ये पूरी भट्टी है। ये क्या है अंजला? चलो ये कोयला है। अच्छा, ये कोयला इसमें इसको पीसने के बाद इसके अंदर डाला जाता है। ये इसको खोलिए, देखो तो देख रही है नीचे पूरी भट्टी है। और जूम करो पहले, तो ये यहाँ पे तो देख सकते हैं ये पूरी भट्टी है। ये तकने का इसे रख दो। चलिए बंद कर दीजिए। चलो ऐसे यहाँ पे ईटे का पूरा काम होता है। ये अंजला भाई का मेन बिजनेस था जो कि ये यहाँ पे होता है ईमानगंज में, इनका भट्टा है पूरा। तो अगर आप लोग को ईटा चाहिए हो तो भाई इनका एच आर एल नाम से इलाहाबाद में बिकता है ईटा, यहाँ पे आकर के आप लोग ले सकते हैं। ये मशीन किस काम आती है भाई? ये मशीन है, ये अंदर पंखा चल रहा है, इसके अंदर वो पूरा पंखा चल रहा है। ये आपका 6 महीने का बना है। तो ये इस मशीन से क्या होता है अंजला? ये मशीन आपका जो एयर अंदर का हाइड्रोजन निकलती है उसको रोटेट करती है पूरा, ये चिमनी के थ्रू आपको ऊपर पहुंच सकती है। भाई देखिए भाई, भट्टा ऐसा कुछ दिखता है अंदर से। तो अब ये हम थोड़ा जा रहे हैं ऊपर, तो ये है भाई पूरी चिमनी, जहाँ से नीचे जो जलता है वो यहाँ से इसका धुआं ऊपर जाता है। ये क्या अंजला भाई? ये यहाँ से साइड कच्ची ईंट भरी जा रही है। हाँ। उस साइड से पक्की ईंट निकाली जा रही है। देखिए भाई इधर से वहाँ पे पक्का ईंट पक रहा है, वहाँ पे भाई देखिए वो पास से बना है। तो यहाँ कच्चा ईंटा है, वहाँ से भाई पक्का ईंटा से निकल रहा है। आप देख रहे हैं रात का टाइम है, ज्यादा दिख नहीं रहा। अंजला भाई, इसमें कितने लेबर लगते हैं आपको? अप्रोक्स 800 to 1000। इसमें 1000 लेबर लगते हैं भाई भट्टे काम में। और ये कितने जगह में है? एक साल में ये आपको 1,20,00,000 ईटा प्रोडक्शन करता है। अच्छा, ये 1,20,00,000 ईटा निकलता है इनके भट्टे से, और कम से कम 1000 लेबर लगते हैं। और जगह कितनी है अंजला भाई ये कुल टोटल? अप्रोक्स 35 से 40 बीघे की जगह में ये प्रोडक्शन होता है।